नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग दिखाने वाला हूं, ये देखिए हमारे हाथ में BLL कंपनी के प्रो DMX 200। दोस्तों इस DMX के बारे में इससे पहले चैप्टर 1 बना चुका हूँ और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि इस DMX में इस बटन का और इस फेडर का और इस बटन का कुल मिला के इसके बारे में जो भी जानकारी था, बेसिक जानकारी, उस जानकारी मैं बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को नहीं देखें वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इस पर हम पारलाइट को चला कर दिखाने वाले हैं और इसमें क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, सारा कुछ डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लाइट और साउंड वाले दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़े निकले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने 4 पारलाइट लगा रखे हैं और सभी पर हमारा नंबरिंग है, देखिए वो 9 नंबर, 10 नंबर, 12 और ये 13 नंबर है। यहाँ पर हम 4 पारलाइट को भी फिलहाल चला के दिखाने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम जो कोड डाल रहे हैं उस कोड के हेल्प लेकर के आप यहाँ पर 4 के जगह 8, 10, 20 पारलाइट चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज आप लोग को हम पूरा मैनुअली चलाने के लिए सिखा देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों पहले हम इस पारलाइट को बूस्टिंग कर लेते हैं, इसकी वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर कोड की वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए एक जगह पे 2 कोड निकल चुके हैं, प्लस और माइनस की। और अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पार लाइट है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इनपुट और आउटपुट। ये देखिए ये जो इन है, यहाँ DMX से सिग्नल आउट होकर के इस पार लाइट पे आप इनपुट दे सकते हैं और यहाँ से आउट करके अगले वाले पे इनपुट, फिर इससे आउटपुट करके अगले वाले पे इनपुट, फिर इससे आउटपुट करके अगले वाले पे इनपुट। दोस्तों यहाँ पर मैं 4 पारलाइट लगा रखा हूँ। आप अगर पारलाइट की संख्या बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ से आउटपुट निकालिए और अगले वाले पे इनपुट, फिर उसके आउटपुट से अगले वाले के इनपुट। इसी तरह करते करते आप सभी पारलाइट पे कोड बूस्टिंग कर लीजिए। आप यहाँ पे वायरिंग देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं XLR केबल की वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए जो DMX से आउटपुट होकर निकली है केबल, ये सीधे ही हमारा पारलाइट के इनपुट पर गई है। ये देखिए इन पे और इस आउट से निकल के ये देखिए अगले वाले के इनपुट पे गई है, फिर इससे आउटपुट होके अगले वाले पे इनपुट, फिर इससे आउटपुट होके अगले वाले पे इनपुट पे जाके लास्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक जैक हमारा सॉकेट खाली बच रहा है। अगर आप पारलाइट बढ़ाते हैं तो इससे फिर बूस्ट करके आगे आपको ले जाना होगा। अब दोस्तों चलिए इस पर हम लाइन देते हैं और इसकी कोड सेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लाइन दे दिया है पारलाइट पर और अब पारलाइट पर मैं कोडिंग कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट वाला पारलाइट है, इस पर यहाँ पर D001 है। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड वाले पे भी D001 करना है। यहाँ पे मैं कोडिंग को सेट करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले D वाले ऑप्शन पे आना है, ये देखिए, और अब यहाँ पे आपको अप या डाउन करके और इसे 001 पे सेट करना है। देखिए ये D001 आ गया। अब इस पर एक बार इंटर दबा देना। ये देखिए यहाँ पे इंटर लिखा हुआ होता है, शायद कैमरे में आपको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इंटर लिखा हुआ होता है, इंटर को एक बार प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटर प्रेस करने के बाद एक बार लाइट ब्लिंक होती है, यानी कि सेव हो चुका है। अब यहाँ पर अगले वाला पारलाइट पे आइए, तो इस पर भी D001 करना है। ये देखिए D129 है, तो इसे भी 001 कर देते हैं। ये देखिए D001 आ गया। इसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं एक बार, फिर अगले वाले पे आते हैं और इस पर भी 001 सेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे पारलाइट, यहाँ पर हम 4 पारलाइट लगाए हैं और चारों पारलाइट पे 001 वाला कोड सेट है, D001।
दोस्तों, अगर आपका पार लाइट पर अगर डी वाला ऑप्शन नहीं आता है और अगर ए वाला ऑप्शन आता है तो आप ए वाले ऑप्शन पर भी 8001 ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, हमने चार पार लाइट लगा रखा है और चारों पार लाइट बेसन कंपनी की है। दोस्तों, आप यहाँ पर आप कोई भी कंपनी यूज करते हैं वो मैटर नहीं करता है, बस सेम कंपनी होना चाहिए। आप कितनों पार लाइट लगा दिए चलेगा एक साथ। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम DMS के ऑन करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं पार लाइट और DMS पे लाइन दिया गया है। और मैं एक बार आपको पार लाइट का ब्रांडिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, बायसन कंपनी की हमारी पार लाइट है, ये आगे वाला पार लाइट भी है। ये देखिए, हम जितने भी पार लाइट लगा रखे हैं सारा का सारा बायसन कंपनी है, और यहाँ पर DMS BLL कंपनी की है, ये देखिए। और अब आइए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को इस DMS से मैनुअली ऑपरेट करने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये DMS हमारा BLL कंपनी का रहने वाला है, और दोस्तों यही सेम डिज़ाइन आपका GIA 191 भी काम करेगा। तो जिसके पास GIA 191 है वो भी इस वीडियो को अच्छा से देखें, उनके पार लाइट भी इस DMS पे सेम काम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम DMS को ऑन कर लेते हैं। तो DMS यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप लोग को मैनुअली इस DMS से चलाना है पार लाइट को, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे पे सेम कोड डाल दिया है, आप इस कोड के सहारे DJ पे भी चला सकते हैं, स्टेज शो पे भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आने की। यहाँ पर ये देखिए हमारा 1 नंबर बटन, इसे एक बार प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, 1 नंबर पे D001 वाला जो कोड हम डाल रखे हैं सारे पार लाइट पे, उसके लिए ये 1 नंबर काम करता है। दोस्तों, हमें अभी मैनुअली चलाना है, इसलिए एक बार मैनुअली को हम ऑन करके छोड़ दिए हैं। और ये हमारा रहा फर्स्ट नंबर फेडर और ये नंबर सेकंड नंबर फेडर। तो फर्स्ट नंबर वाला फेडर हमारा पावर होता है, ये देखिए ऑन करने पर यहाँ पर कोई भी पार लाइट अभी चालू नहीं हुआ। और ये रहा दूसरा नंबर, तो ये होता है रेड कलर के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये फेडर को उठाते ही हमारे सारे पार लाइट पर रेड कलर आ चुका है। और अब ये देखिए, हमारा रेड कलर को आपको नहीं चलाना है, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर को भी चला सकते हैं, दूसरे नंबर पर ग्रीन कलर है। और यहाँ पर आप दूसरे कलर को डाउन किए थे और तीसरे में उठाइए, तो ये देखिए ब्लू कलर, जो कि 4 नंबर फेडर पे है। और दोस्तों, आपको कोई भी कलर पे मल्टी कोई भी और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कलर पे फ्लैशिंग करवाना है पार लाइट को, फ्लिंकिंग कराना है, तो उसके लिए 5 नंबर फेडर होता है। ये देखिए, अब 5 नंबर फेडर को जितना आपको स्पीड एडजस्ट करके रखना है उस पर छोड़ दीजिए, आपका फ्लैशिंग करेगा। दोस्तों, जैसे अगर आपको ब्लू कलर पे फ्लैशिंग नहीं करवाना है, अगर रेड कलर पे करवाना है तो रेड कलर का ऑन कर दीजिए। ये देखिए, रेड कलर की फ्लैशिंग आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कलर की फ्लैशिंग करवाना है तो ग्रीन कलर की फ्लैशिंग भी दे सकते हैं, ये देखिए। और सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वाइट कलर। वाइट कलर बनाने के लिए देखिए, 2, 3, 4 तीनों फेडर को एक साथ उठा दीजिए, वाइट कलर बन जाएगा। ये देखिए, वाइट कलर की फ्लैशिंग काफ़ी अच्छी लगती है। फ्लैशिंग का किंग है वाइट कलर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इतनी अच्छी जानकारी आपको YouTube पे और कहीं नहीं मिलेगी। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और ये देखिए, हमारा चैनल अभी 50K के नज़दीक पहुंच चुका है, तो जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर पहुँचाइए, आप लोग को एक सेलिब्रेशन वीडियो मिलेगा, वेट कीजिए उसके लिए। और आप लोग जितना जल्दी 50K पहुँचाते हैं उतना जल्दी आपको सेलिब्रेशन वीडियो। और दोस्तों, अगर इस DMS से आपको रनिंग वाली प्रोग्रामिंग वीडियो अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा कि इस DMS पे रनिंग वाली वीडियो का प्रोग्रामिंग वीडियो लाने का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।